में किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों के संगठन ने कहा है कि 26 जनवरी को किसान भी दिल्ली में अपनी ट्रैक्टर की परेड करेंगे। आपको बता दें कि किसान संगठनों के नेता किसानों के साथ मिलकर गांव-गांव में घूमकर किसानों को न्योता दे रहे हैं। इस दौरान आह्वान किया जा रहा है कि इस 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए हर गांव से 50 से ज्यादा ट्रैक्टर निकालें ताकि सरकार को वह किसानों की एकता दिखा सके। भारतीय किसान यूनियन ने नेताओं ने कहा कि हम पिछले दो दिन से गांव में जाकर घूम रहे हैं और किसानों को न्योता दे रहे हैं कि भारी से भारी संख्या में 26 जनवरी को होने वाली परेड में अपने ट्रैक्टर सहित शामिल हो और इसका किसानों के द्वारा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि किसानों को भी पता है कि यह हमारे अपने हक की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि हर गाँव से 50+ ट्रैक्टर जाएंगे और यह हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से रहेगा। अगर पूरे जिले की बात करें तो किसान नेताओं का टारगेट है कि 20,000 से ज्यादा ट्रैक्टर पर सवार होकर हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि हम हर रोज 2 से 3 गांव में जाकर किसानों को न्योता दे रहे हैं। हम इस आंदोलन में सरकार को यह दिखाना चाहते हैं कि पूरे भारत का किसान एक साथ है। उन्होंने कहा कि जब तक किसान की मांग सरकार पूरी नहीं करती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रदर्शन में किसान कोई भी उपद्रव नहीं करेंगे क्योंकि उनका अब तक का प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण तरीके से रहा है और आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। आज किसान नेताओं ने किसानों के साथ मिलकर गांव बड़थल, बड़शालू, सीकरी, अंजनथली, सिद्धपुर कई गांवों का दौरा किया और किसानों से 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में शामिल होने की अपील की। हां जी, आपका नाम? मेरा नाम जीताराम है, मैं नीलो खोड़ी ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और किसान यूनियन के लिए रोज हम 10 गाँव निकालते हैं और गांव दर गांव जाके ट्रैक्टरों के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और कल हमने 10 गांव कल निकाले, 10 परसों निकाले, जिस भी गांव में गए वहां लोग पहले से ही तैयार हैं ट्रैक्टर दिल्ली के लिए। और हमारे एरिया से कम है नीलो खोड़ी के जो यू एरिया यहां से 5,000 ट्रैक्टर तैयार हुए हैं और इंद्री और संत को लेकर ग्रुंड से हमारे 20,000 ट्रैक्टर तैयार हो रहे हैं। कल हमारी त्रिवड़ी गुरुद्वारा में भी मीटिंग हुई थी, वहाँ जो गन्ने के पदाधिकारी थे या और भी थे जो हमारे शौकड़े साइड के थे सरदार जी, उन्होंने सब ने मिल के मीटिंग करी थी और आज फिर हमारा दौरा संडीर, बरसाड़ू, राजगढ़, सीकरी की ओर चल रहा है और हमको भी 5 बजे वहाँ उनके साथ जाना है और इस साइड के जो लोग हैं उनको भी हम जागरूक करके आएंगे। तो क्या मतलब किसानों का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है? गाना अच्छा मिल रहा जी, कहने की जरूरत नहीं, बस जानते सर नियो को वहाँ आप ये बताओ कितने ट्रैक्टर लेके जाने हैं, लोग पहले से ही तैयार हैं। हमने गांव में ये भी कहा था आप 100-100 रुपये मेल के अपना डीजल पवा लियो, किसी के पास कम पैसे हैं, उन्होंने कहा ये हमारी सिरदर्दी है, आपने इससे कुछ नहीं, हमने आप ले कर चलेंगे। हमारे को 2 झंडे किसान यूनियन के दे दियो और वो अगला हमारा काम है और ट्रैक्टर के ऊपर 2 झंडे हम किसान यूनियन के लगाएंगे, 1 तिरंगा लगाएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.